नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत अंबाबाद पंचायत के ख्वासडी के तुरिया टोला में बिजली विभाग के कर्मी के द्वारा बीपीएल कनेक्शन के नाम बिजली विभाग के कर्मी पप्पू मिस्त्री के द्वारा नया बोर्ड के देने का प्रलोभन देकर लोगों के नाम पूछकर बिजली विभाग के द्वारा मनमानी ढंग से 11 लोगों पर बिजली ऊर्जा चोरी करने के नाम पर किया गया मुकदमा दर्ज। बताया जाता है सतगावा प्रखंड के ख्वासडी तुरिया टोला निवासी देवी मानो देवी और रमनी देवी ने बताया, बिजली विभाग के कर्मी पप्पू मिस्त्री के द्वारा यहां आकर लोगों से बोला गया कि आप लोग को बीपीएल में नाम है, तो लोगों ने बताया कि हाँ, तो कर्मी के द्वारा बताया कि आप लोगों का नया बोर्ड दिया जाएगा, सभी लोग अपना अपना नाम बताइए। सभी लोगों ने अपना नाम बताया तो शनिवार को बिजली विभाग के बिजली ऊर्जा चोरी करने को लेकर सतगावा थाने में आवेदन देकर मुकदमा किया गया है। वह बिजली विभाग लोगों के द्वारा 11 लोगों पर बिजली ऊर्जा चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें रमनी देवी और मानो देवी ने बताया कि बिजली विभाग के बीपीएल के नाम पर हम लोगों का नया कनेक्शन देने के नाम पूछा था। वही बिजली विभाग के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई बिजली कर्मी के द्वारा बिल कभी नोटिस नहीं दिया गया। अचानक एक दिन कर्मी आकर नाम पूछे और मुकदमा कर दिए, जबकि लोग बताते हैं एक घर में एक कंज्यूमर है तो उस घर में 3 लोगों पर बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज दिया गया है। हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या करें, हम लोग उतना बिल कहां से देंगे। वही अंबाबाद पंचायत समिति प्रतिनिधि दिवाकर कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के लोगों के द्वारा बगैर किसी सूचना के लोगों पर मनमानी और धोखाधड़ी तरीके से 11 लोगों पर बिजली चोरी करने को लेकर बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो हम लोगों द्वारा सतगावा कुडरमा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया जाएगा। वही अनुश्रवण समिति के सदस्य मनोज भगत ने कहा, गरीब लोगों के साथ छल किया गया है। नया बोर्ड देने के नाम पर लोगों को नाम पूछकर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो उपायुक्त कार्यालय के निकट हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। बिजली का दिक्कत है। हुआ क्या है? सर दिया वहाँ की और फिर दे रहे हैं बीपीएल नंबर में। और अभी आकाश है कि कितना साल हो गया और अभी जाता है बीज मांगने के लिए, देता है आकाश 22,000 रुपया देता है कि बिल बना करके देता है, और हम लोग नहीं बुझ पाए हैं। हमको नाम सब करके लिख लिया है, हम आबाद पंचायत रहने वाली है। कहाँ, मतलब आपका घर कहाँ हुआ? ख्वासडी तुरिया टोला। ख्वासडी तुरिया टोला ने, मतलब आप बताना यही चाह रहे हैं कि मतलब बिजली विभाग से आपको जो बीपीएल के नाम पर कनेक्शन मिला था, कनेक्शन मिला था, उसके बाद जो है इसे बिल उल दिया था? बिल उल नहीं मिला था, देवे नहीं क्या, तो खोज किया। अच्छा अच्छा, केस कर दिया है मिस्त्री है। हम तो किसी को पहचानते ना, पप्पू बाबू को पहचानते, तो दिक्कत है ही। हम रहने वाला है अहमदाबाद पंचायत में, मेरा घर ख्वासडी। अच्छा अच्छा, और यहाँ से दिया पप्पू मिस्त्री, किसको लेके हम नहीं चिन्हते हैं उसको। कौन पप्पू मिस्त्री? बिजली वाला, बिजली विभाग में काम करता है। हाँ, गया तो वही पूछने लगा कि बोल से आपके घर कौन है? हम बोला कि यही घर है। तो बोले यही घर है, तो बोले हाँ, तो बोला आपके लाइन मिला बोर्ड बैठा है? कहिए नहीं बोर्ड बैठा है। तो बोल बोर्ड नहीं बैठा तो नया बोर्ड देंगी? से बोल नाम बताइए, आपके हस्बैंड कहाँ रहता है? तब बोले हैं कि हमको हस्बैंड बाहर में रहता है। अच्छा, हमको कमाने खाने वाला आदमी है, हमको घर से नहीं चलता है। तब बोल नाम बताइए, नया बोर्ड देंगे। अच्छा, वही कह के नाम सब महिला लोग के लिख के चला गया। तकर बाद लिख के चला गया तो हम पूछते रहे कि आई सर केस कर दिए क्या, हम लोग समझ नहीं रहे, हम अनपढ़ आदमी है। अच्छा अच्छा, तब बोल नहीं केस कहीं हुए, हम लोग समझ नहीं पाए। अब केस करके यार हमको पर नोटिस दिया है सनीचर, बोला फलना 11 आदमी पर केस हो गया। हम लोग गरीब आदमी है सर, हमको गरीब आदमी है, हमको कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा पालते हैं, इतना बिल हम चटा के दे दिया, हमको बिल भरने सकेंगे एक बारी सर? अच्छा अच्छा, भर नहीं सकेंगे। हम लोग चाहते हैं नाम हमको कट जाए और उसमें माफ हो जाए, हम पैसा देने नहीं सकेंगे सर। सतगावा प्रखंड दलित समाज से बिलोंग करता हूँ और यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व भी करता हूँ समाज से। आज हम लोग ये जो पीछे जितने भी माँ बहनें खड़ी हैं, हमारे पास आया और बोले कि
मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ कि बीपीएल के आज से कुछ दिन पूर्व बीपीएल के नाम से कनेक्शन मिला था और आज तक बिल भी नहीं आया। और बिल नहीं आने के बाद में एकाएक कौन लोग गया ये हम नहीं जानते हैं, पदाधिकारी था, मिस्त्री था और कौन साथ थे ये हम नहीं कह सकते हैं। इन लोगों पर 11 लोगों पर FIR हुआ। मैं इसकी पुष्टि करने हेतु इनके गांव भी गया था तो वहां पता चला कि यह कह करके इन लोगों को से नाम लिया गया कि पुनः मीटर लगाया जाएगा, आप लोग नाम दे दीजिए, जो कि इन लोगों ने अपना अपना एक घर में तीन तीन लोगों का नाम दे दिया और तीन लोगों पर FIR हुआ, कनेक्शन एक और तीन लोगों पर FIR। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए मैं प्रतिनिधित्व और जिला अनुसरण समिति मेंबर होने के नाते हम मांग करते हैं कि पहले बिल इन लोग का मुहैया कराया जाए, अगर इन लोगों देने में यदि सक्षम नहीं होगा तभी आप FIR करने का अधिकृत हैं। जब बिल ही नहीं आप पहले दिए तो फिर FIR डायरेक्ट क्यों? इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और इन लोगों का पर जो FIR हुआ है FIR रद्द हो और मतलब इन लोगों को न्याय मिले, ये मैं यही मांग करता हूं। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष जितनी महिला जितने FIR हुआ सभी हम लोग धरने पर बैठेंगे। पता चला जिस तरह से इन लोग कल बता रहे थे, सबसे बड़ा विडंबना बात है कि बिजली विभाग के लोग गांव पहुंचकर बगैर बिजली बिल दिए हुए बगैर कोई सूचना के लोगों पर बोर्ड लगाने के नाम पर नाम लिया और लाकर थाना में FIR कर दिया। ये सबसे बड़ी बिजली विभाग की लापरवाही भी है, धोखाधड़ी है और धोखाधड़ी है, इसकी घोर निंदा करता हूँ और साथ साथ बिजली विभाग को चेतावनी देता हूँ कि अगर इस तरह की रवैया रहा तो हम लोग अंबाबाद के पूरे जनता आक्रोशित होकर मुखमार्ग कोडरमा से सतगावा आने वाले मुखमार्ग को जाम कर देंगे, नहीं तो इस तरह की रवैया को आप वापस लें। और सबसे बड़ी बात है कि एक कंज्यूमर नंबर पर अगर पैसा बाकी है किसी तरह की बात है तो एक आदमी पर FIR किया जा सकता था या उसको सूचना देने के बाद ही, पैसा नहीं देने के बाद आप कुछ कर सकते थे, लेकिन एक ही आदमी कंज्यूमर नंबर पर तीन तीन महिला पर FIR हो गया और जिस व्यक्ति के नाम से था वो व्यक्ति है भी नहीं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई आज से 8 साल पहले, बोर्ड भी नहीं लगा और सिर्फ नाम लेकर इस तरह से धोखाधड़ी करके करना। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गरीब लोगों तबके लोगों पर जो FIR हुआ उसको जल्द से जल्द वापस लें। हालांकि उच्च पदाधिकारी से हम लोग बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोडरमा के DC महोदय के समक्ष हम लोग सारे लोग जाएंगे और बात करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।